चलो दोस्तों, आज हमारे पास है स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक। इस बाइक की मैं आपको इंजन के साउंड सुनाता हूँ। दोस्तों जो ये बाइक है कितने बेकार है, इसके इंजन के साउंड है। तो दोस्तों पहले इस बाइक का इग्निशन ऑन कर लेते हैं, उसके बाद में बाइक में लगाते हैं दोस्तों सेल्फ। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, जो बाइक है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसके इंजन की साउंड ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसके जो इंजन के साउंड है कितने बेकार हो गए। इसकी जो क्रैंक है दोस्तों वो पूरी सीज हो चुकी है, इसके क्रैंक के कनेक्टिंग रोड जो होती है वो खराब हो चुकी है, इसके बैरिंग वगैरह यानी कि इसका जो पूरा इंजन है वो सीज हो चुका है। तो इस बाइक का हम दोस्तों इंजन बनाएंगे और आपको बताएंगे कि जब स्प्लेंडर प्लस BS6 में इंजन खराब हो जाता है तो उसको इंजन फिट करते हैं तो उसके अंदर कितना खर्चा आता है और कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं। तो पहले दोस्तों इस इंजन को खोल लेते हैं और मैं इसके इंजन की क्रैंक की आपको कंडीशन दिखाता हूं, जो है क्रैंक की कंडीशन है किस कंडीशन में, वो क्रैंक कितनी बेकार हो चुकी है दोस्तों। तो चलिए पहले इस बाइक का इंजन हम ओपन करते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों जो अपने पास है स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक थी, इसका इंजन ओपन हो चुका है। ये इंजन सारा आप देख पा रहे होंगे, इसके सारे पार्ट हमने अलग कर दिए हैं और इसकी मैं आपको कंडीशन दिखा दूं। जो इंजन है दोस्तों वो बहुत ही बुरी कंडीशन में निकला है, देखिएगा कितनी गंदगी है इस इंजन के अंदर, कुछ इस तरह से इसका इंजन निकला है। और मैं आपको दिखा दूं जो इसका गियर सिलेक्टर रहता है दोस्तों, वो भी यहां से कट गए हैं, ये कुछ इस तरह से कट गए हैं दोनों गियर सिलेक्टर दोस्तों इसकी कट गए हैं। इसको वेल्डिंग करा के काम हो जाएगा। और दोस्तों मैं इसकी क्लच प्लेट की कंडीशन दिखा दूं, ये देखिएगा इसकी दोस्तों क्लच प्लेट भी बेकार हो चुकी है। और इस इंजन को खोलने का जो मेन रीजन था दोस्तों, ये क्रैंक होती है, ये क्रैंक जो है दोस्तों बिल्कुल खराब हो चुकी है। इस क्रैंक की वजह से अपनी बाइक का हमने इंजन खोला है। तो दोस्तों मैं बताऊं, ये जो क्रैंक है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, किस तरह से साउंड कर रही है मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों हम इसे पहचान सकते हैं जो अपनी क्रैंक है किस तरह से खराब हुई है। तो आपको किस तरह से इसको पहचानना है, क्रैंक को कुछ इस तरह से पकड़ना है और इस वाले पॉइंट पे हमें चोट मारनी है, इसके अंदर से एक साउंड आएगा, आप सुन पा रहे होंगे दोस्तों कितने इसके अंदर से साउंड आ रहे हैं, जो अपनी क्रैंक है दोस्तों बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो दोस्तों इस क्रैंक की हम जो असेंबली रोड है ये स्टैंडर्ड डलाएंगे ओरिजिनल, और दोनों लेफ्ट राइट के दोनों बैरिंग चेंज कराएंगे। हेड भी इसका दोस्तों हम मरवाएंगे, इसके हेड के अंदर दोनों बाल डलेंगे, और सिलेंडर के अंदर दोस्तों हम गोट्स कंपनी का इसके अंदर पिस्टन लगवाएंगे। ये BS6 है, आप ये देख पा रहे होंगे सारे सेंसर लगे रखे हैं बाइक के अंदर। तो दोस्तों इसकी क्लच प्लेट डालेंगे, प्राइमर गियर डालेंगे, टाइमिंग चेन की दोस्तों इसकी हम पूरी किट डालेंगे। तो चलिए पहले इसका जो खैरात का काम है क्रैंक का, हेड का और बोर का, इसको करा के ले आते हैं और इंजन की बढ़िया करके धुलाई कर लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अपनी स्प्लेंडर प्लस BS6 का ये इंजन जो था हमने सारा बढ़िया करके धो दिया और इसका खैरात का जो काम था वो सब होकर के आ गया है। इसकी क्रैंक दोस्तों टन होकर आ गई है, ये देख पा रहे होंगे आप, ओरिजिनल असेंबली है। इसके नीचे असेंबली के नीचे आप ये QR देख पा रहे होंगे, ओरिजिनल आप डलाते हैं तो उसके नीचे इस तरह का QR आएगा जैसा आप ये देख पा रहे होंगे। और दोस्तों इसके दोनों बैरिंग हमने NVC के डलाए हैं ओरिजिनल, और दोस्तों इसके अंदर हम गोड्स कंपनी का ये पिस्टन डलाया है, जो कि हमारा ये पिस्टन जो है दोस्तों 50 नंबर का बोर है इसके अंदर, ये आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों इसका ये प्राइमर गियर डालेंगे, क्लच प्लेट डालेंगे, टाइमिंग चैन पूरी किट डालेंगे। अगर दोस्तों आप टाइमिंग चैन किट लेते हो ओरिजिनल तो उसके अलग से आपको पत्ती खरीदनी पड़ेगी, जो कि रूले वाली ये पत्ती आती है, किट के साथ नहीं आती है, आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। और दोस्तों इसका हेड का जो काम था वो भी होकर के आ गया, सिलेंडर का काम भी होकर के आ गया, आप ये देख पा रहे होंगे सेंसर लगा हुआ है इसका BS6 बाइक है ये। दोस्तों ओरिजिनल ही बाल डलाए हमने इसके अंदर। दोस्तों आप अपनी बाइक में इंजन का काम करा रहे हैं तो दोस्तों ये जो प्राइमर गियर होता है ये आपको डलाना बहुत जरूरी है। इंजन के जो साउंड होते हैं ये इसी से बनते हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादा महंगा नहीं होता, ये 290 रुपये का आपको मिल जाएगा मार्केट में, तो आपको डलवाना ये दोस्तों बहुत जरूरी है। चलिए सारे इंजन को फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में इस इंजन की दोस्तों आपको साउंड सुनाएंगे और इसका खर्चा बताएंगे, जब बाइक का हम फुल इंजन करते हैं तो उसके अंदर खर्चा कितना आता है। तो चलिए जल्दी से इसको फिट कर लेते हैं सारे इंजन को, उसके बाद में बाइक के अंदर लगाएंगे, आपको स्टार्ट करेंगे बाइक और आपको साउंड सुनाएंगे, जो बाइक के साउंड है कितने मक्खन हो जाएंगे और बाइक का दोस्तों पिकअप भी एकदम मस्त हो जाएगा। तो चलिए इसको सबको बांध लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों जो अपने पास है स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक थी, इसका इंजन पूरा फिटिंग हो चुका है, सारा सामान इसके अंदर दोस्तों ओरिजिनल पड़ा है, क्लच प्लेट है, प्राइमर गियर, टाइमिंग चैन पूरी किट पड़ी है, हेड के अंदर बाल पिस्टन, क्रैंक के दोनों बैरिंग, सब कुछ दोस्तों इसका हीरो का पड़ा है। और दोस्तों अब मैं बाइक को स्टार्ट करूंगा, इसकी आपको आवाज़ सुनाऊंगा। तो पहले इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं, आप ये देख पा रहे होंगे चेक इंजन लाइट और i3x, इससे हमें पता चलता है जो अपना ECM होता है वो प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा है। चलिए बाइक में लगाते हैं हम सेल्फ और बाइक को करते हैं स्टार्ट।
ये देखिएगा दोस्तों, जो अपने पास स्प्लेंडर प्लस VS6 बाइक है ये स्टार्ट हो गई है, और आप इसके इंजन की आवाज़ सुनिए दोस्तों, जो इंजन के साउंड है एकदम मस्त हो गए हैं। जो बाइक है अपनी बिल्कुल सुनो हो गई है, पता ही नहीं चल पा रही है दोस्तों अपनी बाइक का इंजन के अंदर काम हुआ या नहीं। जैसे बाइक एजेंसी से निकल कर आती है बिल्कुल सेम ऐसे साउंड इस बाइक के हो गए हैं, ये देखिएगा। तो दोस्तों इस बाइक के अंदर सारा सामान ओरिजिनल पड़ा है, और मैं आपको प्राइस बता दूं इस बाइक का जो खर्चा आ गया है दोस्तों इंजन फिटिंग का 5,500 रुपये का दोस्तों इसके अंदर खर्चा आ गया, जो कि हमारी 1,000 लेबर चार्ज रहती है इंजन फिटिंग की। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, और आप हमारे द्वारा काम कराना चाहते तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरा एड्रेस आपके साथ शेयर करेंगे, आप आ सकते हैं और हमारे द्वारा काम करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।